अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। क्रीमी कॉफ़ी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है ये चीनी है, और उसके अलावा 2 बड़ी चम्मच जो है मैं ले रही हूँ कॉफ़ी, और साथ में ही मैं तकरीबन 3-4 स्पून जो होता है वो मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ करूँगी, और तकरीबन 2 कप जो है वो दूध यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो आप लोग चीज़ें ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जो दूध है इसको हल्की आंच पे रखकर आप लोगों ने चूल्हे पे रख देना है, क्योंकि जब तक आप लोग कॉफ़ी को तैयार करेंगे तो ये मज़े से अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म करके अब आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो चीनी है जो तकरीबन 2-2.5 चम्मच है, उसमें मैं जो हूँ तकरीबन 2 बड़ी चम्मच जो है मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो पानी है वो मैंने थोड़ा सा इसके लिए गर्म कर दिया है और मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये है कि मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए, क्योंकि मैं इसको व्हिपिंग क्रीम में भी कॉफ़ी बटर को शामिल करूँगी। लेकिन अगर आप लोग व्हिपिंग क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है इसको थोड़े से थिक बना लें, बस आप यही यूज़ कर लेंगे। लेकिन व्हिपिंग क्रीम के साथ बहुत ही एक क्रीमी टेक्सचर आता है। ये मेरा जो कॉफ़ी बीटर है ये मैंने यूज़ किया। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अच्छा भी है कि आप लोग जो है ना बग़ैर कुछ किए जो है ना आपका अच्छे तरीके से बीट हो जाता है। लेकिन एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा मेस बनाता है, और मेस की वजह से जो है मुझे ये भी अच्छा इतना नहीं लगा। अब इसके अलावा आपने क्या करना है कि व्हिपिंग क्रीम को आपने ले लेना है तकरीबन 3-4 बड़ी चम्मच हैं, और इसमें जो है ना आप लोगों ने 2 चम्मच जो कॉफ़ी का हमने बैटर बनाया हुआ वो आप लोगों ने डाल देना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक थिक सी क्रीम सी बन जाएगी। फिर आप लोगों ने जो गर्म दूध आप ले लेंगे कप्स में अपने मग्स में, तो आप लोगों ने वो डाल देना है। तकरीबन 1 बड़ी चम्मच आप लोगों ने कॉफ़ी की डाल देनी है, और साथ में ही 1 बड़ी चम्मच आप लोगों ने व्हिपिंग क्रीम की डाल देनी है, और आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो आपकी बहुत ही मज़े की कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। साथ में ही मैं अब इसके बना रही हूँ पीनट बटर सैंडविचेस। बहुत ही इजी से आप लोग बना सकते हैं। फ्रेश ब्रेड हो अगर आपके पास तो आपने पीनट बटर लेना है और आप लोग उन्हें स्प्रेड कर देना है और आप सैंडविचेस तैयार कर लें, तो कॉफ़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको। और दूसरी बात ये कि ये जो पीनट बटर था इट वाज़ क्वाइट गुड, आई लाइक इट, क्योंकि मुझे मतलब जो बाज़ार में मौजूद होते हैं अमेरिकन जो डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, तो वो जो है उनका टेस्ट हम लोगों के टेस्ट बड्स के साथ नहीं मैच होता, लेकिन इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था और चंकी सा था। इसमें जो है ना पीनट के चंक्स भी मौजूद थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सर्दियों में तो कॉफ़ी वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने जो कमेंट्स हैं उनसे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।